आ गया? पता नहीं कौन है, जाके देखो ना। मैं नहीं जा रहा, तुम जाके देखो। हाँ, कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी, सूखी रोटी मिल जाएगी? सूखी रोटी? हाँ मिल जाएगी, लेकिन 20 रुपए किलो मिलेगी। आंटी, मेरे पास तो सिर्फ 10 ही रुपए हैं। हाँ कोई बात नहीं, आधी किलो ले ले। रुक, लाती हूँ अभी। ठीक है। अरे कौन है बाहर? अरे वो सूखी रोटी लेने के लिए आई है। सूखी रोटी लेने वाली? पूरे 20 रुपए की दूंगी। अरे वैसे ही दे दो ना। क्या 20 रुपए? क्यों, 20 रुपए किलो दे रही हूँ मैं। अच्छा है ना, थोड़े पैसे आ जाएंगे। अरे चलो तुम्हारी मर्जी, जाओ। ये ले, देख ले, आधे किलो से ज्यादा ही होगी। अगर यकीन ना हो रहा हो ना तो पास वाली दुकान से तुलवा लियो। नहीं नहीं ठीक है आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, तू फिर यहाँ पे? आंटी वो सूखी रोटी चाहिए थी, और आंटी आज ना मेरे पास 15 रुपए हैं। फिर से सूखी रोटी चाहिए? अभी परसों ही तो लेके गई है तू। प्लीज आंटी दे दीजिए ना। ला दे पैसे, रुके यहीं पे, लाती हूँ। ठीक है। अच्छा, आज मेरे पास पराठा भी था सूखा हुआ, ये भी डाल दिया, प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है आंटी, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आंटी है? आंटी तू तो वही है ना जो सूखी रोटी लेके जाती है? जी जी। हाँ आंटी है, चलो मैं अभी बुलाता हूँ। अरे सुनो, तुम्हारी वो सूखी रोटी वाली लड़की आई है, वो डेली क्यों आती है वो? अरे तुम बैठो, मैं देख लेती हूँ। वैसे करते क्या वो इन रोटियों का? अरे अपनी बकरियों को खिलाती होगी, तुम बैठो ना, मैं देख लेती हूँ। वैसे मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी सूखी रोटी मिल जाएगी? अरे बेटा तू कल ही तो लेके गई थी ना। आंटी प्लीज दे दीजिए ना, और मेरे पास आज सिर्फ 5 ही रुपए हैं। ला दे। ठीक है आंटी, रुकिए। ये ले, और आज इसमें फालतू रोटी भी है और एक दो तो गीली भी है, चल जाएगा ना? शुक्रिया। ये लड़की जाती कहाँ है डेली 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 सूखी रोटी लेकर? आज देखता हूँ कहाँ जाती है, आज इसका पीछा करता हूँ। अच्छा तो इस घर में आई है, देखता हूँ क्या कर रही है। अम्मा आज देखो, आज तो रोटी बहुत अच्छी मिल गई, और देखो इसमें ना बहुत सारी रोटी गीली भी हैं, और आज ना ज्यादा भिगोनी नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा तू सही कह रही है, आज तो हमें भिगोनी नहीं पड़ेगी, आज हम गीली रोटी खाएंगे यही वाली। चलो अच्छा। या अल्लाह, मेरे पड़ोस में ऐसे ऐसे लोग भी हैं और मुझे पता नहीं है। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे इनके लिए जरूर कुछ करना चाहिए, अभी करता हूँ। देख तो बेटा दरवाजे पे कौन आया है। अरे अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अब बेटा अब्बू हैं? अंकल अब्बू की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो अम्मी तो होगी ना, अम्मी को भेज दो एक बार। अम्मी वो है जिनके यहाँ से मैं रोटी लाती हूँ। अच्छा बुला, अंदर अंदर बुला। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम कुर्सी लेके आ बेटा। नहीं 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 नहीं, रहने दो बेटा, रहने दो। अरे बैठ जाओ ना। बेटा ये सब क्या है? वो आंटी इसमें ना कुछ राशन है आपके लिए, और ये आटा है। बेटा इन सब की क्या जरूरत है? नहीं नहीं आंटी, मुझे नहीं पता था ये लड़की जो वहाँ से रोटी लेकर आती है वो खाने के लिए लाती है। मैं तो सोचा था कि ये लड़की जो लाती है वो बकरी के लिए लाती होगी या भैंस के लिए लाती होगी, और मैं पड़ोस में रहकर अपने पड़ोसी का हाल नहीं जान पाया। आंटी मुझे माफ कर दो। बेटा आप जो खाना देते थे बस उसी से हमारा पेट भर जाता था, हम रोज वही खाना खाते थे, तो फिर ये सब लाने की क्या जरूरत थी बेटे? आंटी ये कहकर मुझे शर्मिंदा न करो प्लीज। बेटे मैं अल्लाह को दुआ करूंगी कि आपको इतना दे कि आप हम जैसे लोगों का पेट भरते रहो। बेटा
आंटी दुआ तो करना हमारे हक में, लेकिन मुझे आंटी माफ भी कर दो आप। मुझे नहीं पता था आपकी इतनी कंडीशन खराब है। आंटी जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगी मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी। मुझे माफ कर दो आंटी। ठीक है बेटा, मैंने तुझे माफ किया। ठीक है आंटी। और जितने मेरे जैसे भाई हैं जो भूल गए हैं उनके हक में भी दुआ करना कि अल्लाह उन सबको भी माफ कर दे।